जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, शरीर के अंग में यहाँ तीन जगह दर्द होता है तो आपको मिल गई है काली गोरखनाथ की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जोड़े में एक साथ ही चलती है ये शक्ति। यदि आप लोगों को जिस दिन ये शक्ति प्राप्त हो गई तो आप एक अच्छे माता काली के नाम से जाने जाएंगे और माता काली के अच्छे भगत बन पाएंगे जब आप लोगों को जोड़े में ये दोनों शक्ति प्राप्त होएगी। तो जब जोड़े में आप लोगों को ये दोनों शक्ति मिल जाती है तो आप लोगों के शरीर के अंग में यहाँ पर तीन जगह जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, अगर आपके दर्द होता है हल्का तो समझ जाओ दोस्तों आप लोगों को माता काली की शक्ति तो प्राप्त हो ही चुकी है पहले से। उसके साथ साथ माता काली के साथ आपके घर में गोरखनाथ की भी शक्ति विराजमान है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, बाबा गोरखनाथ के भक्त हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये खास जानकारी है, बेहद ही खास जानकारी है। यदि आप लोगों के शरीर में और आपके शरीर के अंग में यहाँ तीन जगह दर्द रहता है प्रॉपर, मतलब यही तीन जगह ज़्यादातर आपके दर्द रहता है, और वो भी दर्द जो होता है मतलब वैसा दर्द नहीं जो कि तेज वाला होता है, हल्का दर्द होता है ये, मतलब आपको थोड़ा सा परसेंट, मतलब मान लो जैसे 100 में से आपको 20% महसूस होएगा, बाकी 80% नहीं होगा। तो ऐसा दर्द अगर आपके शरीर के इन तीन जगह पर होता है तो समझ जाना दोस्तों आप लोगों को काली माता की गोरखनाथ जी की शक्ति दोनों साथ में प्राप्त है, तभी आप लोगों के शरीर में यहाँ पर दर्द रहता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके शरीर के कौन से अंग में तीन जगह आपके दर्द होता है जब आपको काली के साथ गोरखनाथ की शक्ति प्राप्त हो जाती है जोड़े में। सबसे पहले जब आप लोगों को ये दोनों शक्ति प्राप्त होगी तो आपके जो दोनों पैर हैं उन पैरों में, ज़्यादातर पैरों की जो वो होती है एड़ियाँ इधर की साइड और उंगली की साइड, यहाँ पर आपके पैरों में हमेशा 20% का दर्द रहेगा जो कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा महसूस होए करेगा। वो भी ये एक ऐसा दर्द होता है जैसे कि मान लो आप चलोगे फिरोगे तभी आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप लेट जाओगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होएगा, ये ऐसा दर्द होता है। ठीक है, तो आपकी जो ये पैर की एड़ी होती है इसमें हल्का फुल्का आपके दर्द रहेगा, और जो आपके पैरों की उंगली है इसमें भी हल्का फुल्का आपको दर्द रहेगा। तो अगर आपके पैरों में, दोनों पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, ज़्यादातर आप पूजा पाठ करते हैं उस समय ज़्यादातर होता है, तो समझ जाओ दोस्तों आप लोगों को काली माता की गोरखनाथ की शक्ति दोनों जोड़े में प्राप्त है जब भी आप लोगों के पैरों में और एड़ियों में दर्द रहता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया, अब दूसरी और हम बात करेंगे, जब माता काली की और गोरखनाथ की शक्ति आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोगों के सर में भी ज़्यादातर दर्द आपको दिखने लगेगा। मतलब दर्द तो एक अलग होता है, सर में ऐसा होएगा आपकी ये जो हमारी दोनों साइड की, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की जो हमारी नस होती है, ये जो नस है आपकी ये ज़्यादातर फूली हुई दिखे करेगी, मतलब अलग ही चमके करेगी। जैसे कि बहुत से लोगों की नस जो है दिखती नहीं है, पर जब आपके पास ये दो शक्ति होगी तो ये नस जो है आपको हल्की हल्की चमक मारने लगेगी, और इन्हीं नसों में आपकी हल्का फुल्की सी लुप लुप सीपन होगा। जैसे मान लो हमारे कोई फुंसी निकल जाती है तो फुंसी में मवाद भर जाती है, तो जब मवाद लुप लुप करती है तो आपको खुद महसूस हो जाता है कि ये लुप लुप अंदर से कर रही है, तो उसे मवाद को आप लोग निकाल देते हो। तो बस ऐसे ही लुप लुप आपके सर में होगी, आपके माथे के आगे वाले हिस्से में जहाँ पर माथा होता है वहाँ पर आपके लुप लुप होगी। तो जब ये दो शक्ति जोड़े में आप लोगों को मिल जाती है तभी आप लोगों के ऐसा होता है जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब जो लास्ट है आपके शरीर के अंग में यहाँ दर्द होता है तो समझ जाओ आप लोगों को काली गोरखनाथ की शक्ति मिल गई है। आपकी जो आँखें हैं जो वो हमेशा आप लोगों की रेड रहती होगी, लाल रहती होगी, और उसके साथ साथ आपकी जो सीधे हाथ वाली आँख है, मतलब कि राइट हैंड वाली आँख जो है राइट तरफ की,
उसमें आप लोगों की झपकती होगी वो आँख बार बार, जब जब आप पूजा पाठ करते तब तब ही आप लोगों के साथ ऐसा होगा और आँखों में से पानी ही पानी आप लोगों की आने लगेगा। तो यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है जैसा मैंने बताया है, तो आप लोगों को काली माता की, गोरखनाथ की दोनों ही शक्ति जोड़े में प्राप्त है, तभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और अब आपको ये दो शक्ति तो मिल चुकी है, अब जल्दी से आप अपना गुरु धारण कराएं और इन दोनों शक्ति को हमेशा के लिए अपने पास सिद्ध कर लें और दुनिया का जन कल्याण करें, सबकी दुआ लें, ठीक है। तो ये अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको दो शक्ति तो ये साथ में मिली भी है, और माता काली जिस भी रूप में दिखेगी तो उसके साथ आप लोगों को आदमी या फिर बच्चा ज़रूर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय बाबा गोरखनाथ, हर हर महादेव, जय माता।